बिंदु हड़बड़ाहट के साथ प्रशांत से पूछ पड़ती है, कौन है वो काला साया बाबूजी, बताइए मुझे। बिंदु एकटक नजर से प्रशांत को ही देखती रहती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि प्रशांत उसके सवाल का जवाब जरूर देगा, पर प्रशांत खामोशी रहता है। बिंदु फिर प्रशांत से पूछ पड़ती है, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं बाबूजी, बताइए ना कौन है वो काला साया और वो ये सब क्यों कर रहा है, तारा की शक्तियां पाकर वो क्या करना चाहता है। प्रशांत बिंदु के सारे सवालों के जवाब देते हुए कहता है, बिंदु बेटा वो काला साया। प्रशांत इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही बहुत सारे लोगों के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। उस आहट को सुनते ही प्रशांत अपनी बात पूरी किए बगैर ही चुप हो जाता है। बिंदु भी उन कदमों की आहट को एकदम क्लियर सुन पा रही थी। बिंदु कान लगाकर उन कदमों की आहट को सुन ही रही थी कि तभी प्रशांत बात को बदलते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, वो आ रहे हैं बिंदु, वो आ रहे हैं, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। बिंदु घबराते हुए कहती है, कौन आ रहे हैं बाबूजी। प्रशांत बिंदु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मुर्दों की सेना, वो मुर्दों की सेना जो उस काले साए ने बनाई है। जैसे ही बिंदु प्रशांत के मुंह से ये बात सुनती है वो डर से कांप जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिंदु की आंखों में देखकर प्रशांत उसके डर को भांप लेता है और तुरंत बोल पड़ता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं बिंदु, वो मुर्दों की सेना तुम्हें कुछ नहीं करेगी क्योंकि अब तुम हमारे साथ हो, तुम्हें इन्हीं मुर्दों के साथ जाना है, ये लोग युग और उसके दोस्तों के पास ही जा रहे हैं। बिंदु के मन में अभी भी वही सवाल अटका हुआ था। वो फिर से प्रशांत से पूछ पड़ती है, वो सब तो ठीक है बाबूजी, मैं चले जाऊंगी इनके साथ, पर वो काला साया है कौन ये तो बता दीजिए। प्रशांत बिंदु की बात को फिर काटते हुए कहता है, मैंने कहा ना बिंदु बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, पहले तुम बस उस अपराजिता के पेड़ को जला दो, जब वो काला साया खत्म हो जाएगा तब मैं खुद तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। बिंदु फिर कुछ कहने ही वाली थी कि प्रशांत फिर बोल पड़ता है, उस अपराजिता के पेड़ को जलाना इतना आसान नहीं होगा बिंदु बेटा, वो दैवीय पेड़ है, उसके लिए तुम्हें। इसी के साथ प्रशांत बिंदु को वो क्रियाविधि बता देता है जिसकी मदद से बिंदु अपराजिता के पेड़ में आग लगाने वाली थी, तंत्र विधि। सारी बात सुनने के बाद बिंदु तुरंत घर के अंदर जाती है, सारा सामान एक झोले में रखती है और अपनी माँ को बिना कुछ बताए उनके पैर छूकर घर से बाहर निकल जाती है। दरवाजे के बाहर ही प्रशांत अभी तक उसका इंतजार कर रहा था। जब बिंदु सारा सामान लेकर बाहर आ जाती है तो वो नम लहजे के साथ बिंदु से कहता है, तुम ये कर तो लोगी ना बिंदु बेटा, अपने बाबूजी को मुक्ति दिलाओगी ना उस अपराजिता के पेड़ को जलाकर। बिंदु हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ बाबूजी, आपकी बिंदु आपको मुक्ति दिलाने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे उसके लिए उसे वो दैवीय पेड़ ही क्यों ना जलाना पड़े। प्रशांत कहता है, याद रखना बिंदु बेटा, बस तुम्हारे पास इस अमावस्या तक का समय है, अमावस्या खत्म होने से पहले तुम्हें कैसे भी करके उस अपराजिता के पेड़ को जलाना है, अगर वो नहीं जला तो। इतना कहकर प्रशांत खुद चुप हो जाता है। बिंदु तुरंत प्रशांत से पूछ पड़ती है, अगर अमावस्या के पहले वो पेड़ नहीं जला तो बाबूजी। प्रशांत बिंदु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तो तुम्हारे बाबूजी को फिर कभी मुक्ति नहीं मिलेगी बिंदु बेटा, उसके बाद मेरी रूह पूरी तरह उस काले साए के वश में हो जाएगी और बाकी सब मुर्दों की तरह मैं भी वही करूंगा जो काला साया मुझसे करने के लिए बोलेगा। बिंदु ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं बाबूजी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं उस अपराजिता के पेड़ को जला कर रहूंगी आपके लिए, चाहे फिर अब कोई भी मेरे रास्ते में आए, मैं नहीं रुकने वाली। बिंदु के अंदर इतना आत्मविश्वास देखकर प्रशांत मुस्कुराने लग जाता है। बिंदु के घर के बाहर जो सड़क थी उस पर देखते ही देखते मुर्दों की सेना आकर खड़ी हो जाती है। बिंदु जब उन मुर्दों को देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है, वो डरने लग जाती है। प्रशांत बिंदु के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, डरो मत बिंदु बेटा, मैंने कहा ना ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, जाओ इनके साथ जाओ। बिंदु धीरे से प्रशांत से पूछती है, आप नहीं चलेंगे बाबूजी। प्रशांत पलट कर जवाब देता है, नहीं बिंदु बेटा, अब मैं तभी आऊंगा जब तुम उस अपराजिता के पेड़ को जला दोगी, तुम्हें सब कुछ बताने के लिए। बिंदु धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है और उन मुर्दों की सेना में शामिल हो जाती है। बिंदु उन मुर्दों की सेना के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने लग जाती है। कदमों की चाल की आवाज के साथ ही बिंदु अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो कायर के साथ अपराजिता के पेड़ के पास खड़ी हुई थी और उसे सब कुछ बता रही थी। जब बिंदु कायर को सब कुछ बता देती है तो बिंदु आखिर में हमदर्दी भरे लहजे में कायर से बोल पड़ती है, अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना, अब तो तुम इस अपराजिता का पेड़ जलाने में मेरी मदद करोगे ना कायर। कायर खामोशी खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता है। बिंदु नम आंखों के साथ कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कायर कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी तो तुम खुद इस अपराजिता के पेड़ को जलाने में मेरी मदद करोगे।
कायर बिंदु से बिना कुछ कहे अपने कदम आगे बढ़ाता है और वो जलती हुई मशाल जो नीचे पड़ी हुई थी उसे उठाने लग जाता है। बिंदु मन ही मन खुश होने लग जाती है। उसे दिखने लग गया था कि कायर उसका साथ दे रहा था अपराजिता के पेड़ को जलाने में। कायर मशाल को उठाता है और उसके ऊपर मिट्टी डालने लग जाता है। बिंदु चीखते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो कायर, रुक जाओ, ऐसा मत करो। कायर बिंदु की एक नहीं सुनता, मशाल के ऊपर लगातार मिट्टी डालते रहता है और देखते ही देखते वो मशाल बुझ जाती है। बिंदु गुस्से के साथ कायर से कहती है, ये तुमने क्या किया कायर, मशाल क्यों बुझा दी तुमने। कायर भी गुस्से के साथ पलट कर कहता है, क्योंकि मैं ये पेड़ नहीं जला सकता, ना ही मैं इस पेड़ को किसी को जलाने दूंगा, समझी तुम। बिंदु गुस्से के साथ कायर को घूरते रहती है, उससे कुछ नहीं कहती है। कायर गुस्से के साथ फिर बोल पड़ता है, तुम पागल हो रही हो क्या बिंदु, जो अपने पापा की बातों में आ रही हो। वहां पर हमारा दोस्त युग हमें बचाने के लिए खुद अपनी जान की कुर्बानी देने चला गया है, और यहाँ पर तुम खुद इस पेड़ को जलाकर हमारी अर्थी तैयार कर रही हो। बिंदु कहती है, मैं अर्थी तैयार नहीं कर रही हूँ कायर, बचा रही हूँ तुम सबको। कायर कहता है, ऐसे बचा रही हो इस पेड़ को जलाकर जो हमारी रक्षा कर रहा है। बिंदु पलट कर कहती है, कायर मैंने बताया ना बाबूजी ने मुझसे क्या कहा था, इस पेड़ को जलाना जरूरी है, तभी हम सबकी जान बच पाएगी। कायर कहता है, तुम्हारे बाबूजी ने तुमसे झूठ बोला है, समझी तुम, वो उस काले साई के साथ मिले हुए हैं। कायर की ये बात सुनकर बिंदु का खून खौलने लग जाता है। बिंदु तुरंत बोल पड़ती है, मेरे बाबूजी उस काले साई के साथ नहीं मिले हुए हैं कायर। कायर पलट कर कहता है, अगर तुम्हारे बाबूजी उस काले साई के साथ नहीं मिले हुए हैं तो उन्होंने तुम्हारे पूछने पर उस काले साई के बारे में तुम्हें कुछ क्यों नहीं बताया। बिंदु कुछ सोचते हुए जवाब देती है, उन्होंने कहा तो था उनके पास वक्त बहुत कम है, और ये भी हो सकता है कि अगर वो उस वक्त मुझे उस काले साई के बारे में कुछ बता देते तो वो काला साया उनके साथ कुछ ऐसा करता कि उनकी रूह को मैं कभी मुक्ति नहीं दिला पाती। कायर कुछ कहता उससे पहले ही बिंदु बोल पड़ती है, तुम मेरे बाबूजी को झूठा साबित करने पर क्यों तुले हो कायर, उन्होंने तो हमें रास्ता बताया है सब कुछ ठीक करने का। कायर कहता है, तुम्हारे बाबूजी ने सब कुछ ठीक करने का नहीं, सब कुछ बर्बाद करने का रास्ता बताया है, समझी तुम। बिंदु की आंखें गुस्से से लाल होने लग जाती हैं। बिंदु कायर को घूरते हुए कहती है, कायर आज तुमने मुझे बता ही दो, तुम्हें मैं ज्यादा प्यारी हूँ या तुम्हारे दोस्त। कायर चिढ़ते हुए कहता है, ये कैसे सवाल कर रही हो बिंदु तुम। बिंदु कायर पर दबाव बनाते हुए कहती है, बात मत बदलो कायर, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, कौन तुम्हें ज्यादा प्यारे हैं, मैं या तुम्हारे दोस्त। कायर बिंदु की आंखों में देखते हुए जवाब देते हुए कहता है, अगर प्यार और दोस्ती में से किसी एक को चुनना है तो मैं दोस्ती को ही चुनूंगा बिंदु, क्योंकि वही दोस्त हैं जिन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया है, अगर वो नहीं होते तो प्यार क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं चलता। बिंदु आक्रोश के साथ कहती है, तो फिर तुम भी सुन लो कायर, अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त मुझसे ज्यादा प्यारे हैं तो मुझे भी मेरे बाबूजी तुमसे प्यारे हैं, क्योंकि वही है जिनकी वजह से मेरा इस दुनिया में वजूद है, उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। कायर ने बिंदु को इतने गुस्से में आज से पहले कभी नहीं देखा था, उसे बिंदु की आंखों में कुछ कर गुजरने का जुनून नजर आ रहा था। बिंदु फिर बोल पड़ती है, मैं इस अपराजिता के पेड़ को जलाकर ही रहूंगी, चाहे इसे जलाने के लिए मुझे खुद क्यों न जलना पड़े। तुमने मशाल की आग तो बुझा दी, पर वो आग कैसे बुझाओगी कायर, जो मेरे बदन में लगेगी और फिर मेरे बदन से इस पेड़ में। बिंदु के मुंह से ये बात सुनकर कायर घबरा जाता है। कायर डर से हकलाते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो बिंदु, तुम पागल हो रही हो क्या, ऐसा कुछ मत करना। बिंदु कायर की बात का पलट कर कुछ जवाब नहीं देती है। वो आग जहाँ से उसने मशाल जलाई थी वो अभी भी जल रही थी। बिंदु एकटक नजर से उसी को देखे जा रही थी। बिंदु अपने आप को उस आग में झोंकने के लिए उस तरफ भागने लग जाती है। कायर भी तुरंत बिंदु के पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। कायर बिंदु को आवाज लगाते हुए कहता है, रुक जाओ बिंदु, ऐसा मत करो। बिंदु कायर की एक नहीं सुनती है और उस जलती हुई आग के पास जाने लग जाती है। बिंदु वहां पर पहुंची थी कि तभी कायर घबराते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, इस पेड़ में आग कैसे लग गई। जैसे ही कायर ये बात बोलता है बिंदु जहां पर थी उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। जब बिंदु पीछे मुड़ती है तो देखती है कि अपराजिता के पेड़ में आग लगी हुई थी। वो खुद कायर की तरह हैरान थी कि अपराजिता के पेड़ में अपने आप कैसे आग लग गई थी। बिंदु अपराजिता के पेड़ को एकटक नजर से देख ही रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि अपराजिता के पेड़ में जितने भी सफेद फूल थे सब काले पड़ गए थे और साथ ही पत्तियां भी काली पड़ गई थी। उस पेड़ पर एक भी हरी पत्ती नहीं बची हुई थी। वो काले पड़े फूल वहीं धीरे धीरे आग के गोले की तरह लाल हो रहे थे और उन्हीं में से आग निकल रही थी और अपराजिता का पेड़ जले जा रहा था।
ये सब होता देख बिंदु समझ गई थी ये सब उस मंत्र की वजह से हो रहा है जो उसने अपराजिता के पेड़ में सबसे पहले आग लगाते वक्त पढ़ा था। जब उसने वो मंत्र पढ़ा था उसी वक्त अपराजिता के पेड़ का दैवीय तत्व खत्म हो गया था और वो धीरे धीरे खुद खत्म होने लग गया था। और आज जब उसके पूरे फूल और पत्तियां काली पड़ी तो उसमें खुद ब खुद आग लग गई थी। कुछ ही सेकंड में आग इतनी तेज लग गई थी कि कायर के समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे आग पर काबू पाए। अब तो युग भी उसके साथ नहीं था कि अपनी शक्तियों से आग को बुझा सके। अपराजिता के पेड़ को जलते हुए देख बिंदु खुश होने लग जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, पर कायर के चेहरे पर डर था, वो डर जो आज से पहले कभी नजर नहीं आया था। बिंदु अपराजिता के पेड़ को जलते हुए देख बोल पड़ती है, देखा कायर, नियति को भी यही मंजूर था, तभी तो ये पेड़ अपने आप जल गया और मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कायर खामोशी रहता है, कुछ नहीं कहता है। कुछ ही मिनटों में अपराजिता का पेड़ पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है, पूरा का पूरा ढह जाता है। जैसे ही अपराजिता का पेड़ जलता है वो आसमान जो पूरी तरह खाली था उसमें ढेर सारे काले बादल जमा होने लग जाते हैं। आसपास की हलचल तेज हो जाती है और देखते ही देखते वहां पर ढेर सारा धुआं जमा होने लग जाता है। वहां पर इतना धुआं जमा हो जाता है कि न कायर को बिंदु नजर आ रही थी न बिंदु को कायर। कायर बिंदु को आवाज लगाते हुए कहता है, तुम कहां हो बिंदु, कहां हो तुम? बिंदु कहती है, मैं यही हूं कायर। कायर और बिंदु के चारों तरफ ढेर सारा धुआं छाया हुआ था। उसी धुएं में कायर को दूर से कोई आता हुआ नजर आने लग जाता है जो उसी की तरफ कदम बढ़ाए जा रहा था। कायर घबराते हुए कहता है, वो कौन है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।